एशिया न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 60 किलोमीटर दूर सिमगा की, जहां पर अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में उन्हें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को जो भी तकलीफें हो रही हैं उन्हें दूर करेंगे, लेकिन यहां पर जिस तरह के काम अधिकारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। रायपुर से 60 किलोमीटर दूर सिमगा में तहसीलदार, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और SDM नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने जीवनदीप समिति के नाम से एक रसीद छपवाई और फिर दुकानदारों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने लगे। आप खुद ही सुनिए दुकानदारों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। 3,000 साइन देना पड़ेगा करके बोले। मैं खाली पीली बैठा हूँ सर, और कहाँ 3,000 दूंगा करके। नहीं, 1,000 देना पड़ेगा करके, 1,000 रुपये मेरे से काटे हैं। पहली बार देखे सर कि तहसीलदार BMO यहाँ राजस्व विभाग वाले यहाँ आके चालान काट रहे हैं, धमका रहे हैं कि कलेक्टर से आपको सील करवा दूंगा दुकान, इस टाइप का धमकी दे रहे थे। धमकी देते हुए चालान काटे हैं, है ना। इस टाइप का 15-20 साल हमको इस लाइन में हो गया काम करते सर, इस टाइप का पहली बार हुआ है सर। 12-13 जने आदमी है, उनसे मैं कैसे अकेला लड़ सकता हूँ। चाहता तो मैं भी उनको कुछ बोल सकता था, लेकिन अधिकारी है सर, पूरा दबाव प्रेशर की वजह से ना मैं अकेले हूँ, डर गया था, इसलिए चुपचाप 1,000 दिया सर लास्ट में। 1,000 उसके बावजूद भी बोला हूँ कि सर ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ के बहुत विनती किया हूँ, उसके बावजूद भी नहीं माने। बिल बांधा हुआ था सुबह से लेंगे, अब क्या है अकेले था ना तो उनको साथ में बैठाया था और कोई नहीं था। सिर्फ 11 बजे दुकान खोला हूँ, उसके 1-1.5 घंटे के बाद में मैं 200 रुपये का सामान भी बेचा नहीं था। उसके बाद 12-13 जने आए, तहसीलदार को सिर्फ जानता था मैं, और नया अभी BMO आया है उसको उसके बारे में मुझे पता नहीं था। और तहसीलदार बताया कि ये BMO है, ये RRI है, ऐसा करके 12-13 जने थे। और पूरा दादागिरी की तरह से नहीं, आपके पास फिर लाइसेंस दिखाओ बोले, खुद फार्मासिस्ट है बोले। मैं बोला खुद मैं फार्मासिस्ट हूँ सर, लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस दिखाया दुकान का, पूरा सब कुछ दिखाया। उसके बाद बोलता है कि आपका डिग्री वगैरह दिखाओ। मैं कहा डिग्री को दुकान में थोड़ी ना रखूँगा, पहले रखता था लेकिन अभी घर में चला गया है, डिग्री को भी रखना था, ऐसा ऐसा करके ना चमका रहे थे। फिर 2,000 फाइन पटाना पड़ेगा, नहीं तो आपका दुकान सील कर दूंगा। कलेक्टर के नाम से भी धमकी दे रहा था कि आपका दुकान सील करवा दूंगा। मैं बोला फिर भी उसके बाद फिर बोला सर आपको दुकान बंद कराना था, ऐसे फिर खाली पीली बैठा हूँ, 200 का भेजा भी नहीं हूँ, आप 2,000 का फाइन 2,000 पटाना पड़ेगा बोल रहे हो, इससे दुकान ही बंद कर लो, मैं 10-15 दिन घर में बैठा रहूंगा। अच्छे से आरोप है कि ये अधिकारी सारी रकम की बंदरबांट करने में लगे हुए थे। खैर, जब मामला संज्ञान में आया और इस बारे में पड़ताल की गई तो ये अधिकारी खुद को बेकसूर बताते हुए नजर आए। जब हम गए तो वहाँ मेडिकल स्टोर जो भी संचालित कर रहे थे, किसी के पास तो फार्मेसी की डिग्री भी नहीं थी। एक जगह 12वीं पास स्टूडेंट था, वो दे रहा था, भीड़ था, ना कोई मास्क लगाया था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और उनके द्वारा जबरदस्ती धमकी भी दी जा रही थी कि हम इनको जानते हैं उनको जानते हैं। और उनके कलेक्टर सर का आदेश भी आया था कि इनको जो भी दवा दे रहे हैं उन मरीजों की सूची स्थानीय प्रशासन को देना है, जबकि इनके द्वारा पिछले 1.5 महीने से कभी भी इसकी सूची नहीं दी जा रही थी। अच्छा, कलेक्टर साहब के नाम से आप लोग उन लोगों को दबाव बनाए और उन लोग से बदसलूकी भी किए करके उन लोग बताया जाए, ऐसे मेडिकल वाले लोग? किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई थी, न ही किसी कलेक्टर साहब का दबाव बनाया गया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि साल 2020 के लॉकडाउन में भी इस तरह से जीवनदीप समिति की रसीद के जरिए लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इनके हौसले और भी बुलंद हो गए। सिमगा SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार और BMO के खिलाफ में पूरे हमारे क्षेत्र में आक्रोश हो चुके हैं जनता। और इसके पहले अनुभागीय अधिकारी सिमगा के द्वारा एक जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके संबंध में हमारे नवदीप युवा मंच के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था एक कलेक्टर साहब को कि अगर इनको तत्काल यहां से नहीं हटाया जाता है तो भूख हड़ताल किया जाएगा, निश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो आंदोलन नहीं कर पाए थे और नवदीप युवा मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं यह बता देना चाहता हूँ इस क्षेत्र में कि इस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी लोग, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वो तत्काल ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर ठोस कार्रवाई करें और लगाम लगाए, अन्यथा ये जनता तो दोनों ही बीच में पीछे जाएंगे। 2 साल के कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ऐसी भी डगमगा चुकी है और ऊपर से ये लोग परेशान कर रहे हैं, अवैध वसूली काम कर रहे हैं, फर्जी रसीद छपा के मारपीट
और गाली गलौज करना ये अच्छी बात नहीं है। ये जीवनदीप समिति और कोविड के नाम से दो रसीद सामने आई हैं, और ऐसे बीओमओ साहब से मुलाकात हुई थी तो वो बता रहे थे कि तहसीलदार एसडीएम साहब बोले हैं तो बहुत सारे रसीद और छपा कर रखे हैं बोल, लेकिन जांच के दौरान ये सब सामने आएगा। और मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि जांच करें और इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करें। कोविड महामारी को लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं, उस नियमों का पालन कराने के लिए सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे, और ये निर्देश ये भी था कि लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें खुली रहें उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर चालानी कार्रवाई की जाए, साथ ही दुकानों को सीज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ दूरी पे मौजूद सिमगा में ना तो यहाँ पे चार लोगों का एक ग्रुप बना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएमओ और एसडीएम, ये चारों ने एक रसीद छपाई और रसीद को काट काट के लोगों से 5 से 10 हज़ार रुपये वसूला गया है इस और इस एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये सभी चारों अधिकारी हैं, चारों अधिकारी के एक ग्रुप ने मिलकर इस तरह के काम को अंजाम दिया गया है, और इन लोगों की कार्रवाई से व्यवसायी में भी काफ़ी रोष है। लेकिन हमें जब इस बारे में जानकारी मिली तो हम यहाँ तहसीलदार के कार्यालय पे पहुँचे, तहसीलदार से हमारी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ मैं कार्यालय पे मौजूद हूँ, आप आ जाओ, और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने दल बदल समेत गायब हैं। अपने सहयोगी पवन सिंह ठाकुर, भगत सिंह परिहार के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, एवी स्टाफ टीवी के लिए सिमगा रायपुर से। तो सिमगा में अधिकारी क्या कर रहे हैं ये आपने देखा, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरीन जी, कोई आरोपी या फिर कोई अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देता या फिर कोई संस्था इस तरह के काम करती तो वो एक बार को गले के नीचे भी उतर जाता, लेकिन अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, अगर वो ही इस तरह के गड़बड़ छाले करेंगे तो सवाल उठने लाजमी है। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत ना होगा कि आपदा में जो ये अधिकारी हैं वो अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपदा में अवसर इन्होंने तलाशा और नई तरह से इन्होंने अपने एक जो जुर्म है उसको अंजाम दिया, रसीदे छपवा के उसके बाद दुकानों पे जा रहे हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इन रसीदों में एक कुंडम मेडिकल का भी चालान इन्होंने काटा है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि एसेंस मेडिकल स्टोर खुलने की परमिशन सरकार के द्वारा लॉकडाउन में भी दी गई थी, और जिसके उनका भी चालान काट रहे हैं, और इसके बाद कई दुकानों पे जाके जबरन, और ये आप हमारे पास इसके भी सबूत है कि ये दुकान वालों को जबरिया धमका के कि 10,000 रुपए दो ने तो चालान तुम्हारी दुकान सीज करवा देंगे। इस तरह की जो हरकत है वो किसी भी तरह से जिम्मेदार अधिकारी की हरकतें नहीं लगती है, और ये तीन लोगों की इसमें तिकड़ी है। पूरा प्रशासन इनके जिम्मे लॉकडाउन को सही से अंजाम देने का काम सौंपा गया था सरकार के द्वारा, वही उनके ही द्वारा इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तीनों की लॉकडाउन के दौरान तीनों का काम ये रहता था कि सरकारी जीप लेके निकल जाना और वहाँ पे मौजूद जितनी दुकानें हैं दुकानदारों को धमकाना और जबरिया उनसे एक तरह की वसूली। लेकिन यहाँ पर एक बात गले से नीचे नहीं उतर रही है, जिस तरह से आपने भी बताया कि जो लॉकडाउन जब लगा था तो उस दौरान भी जो मेडिकल की दुकानें थी, जो मेडिकल सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें थी, उन्हें खोलने की परमिशन दी गई थी। तो क्या जो मेडिकल की दुकानें वहां पर थी, केमिस्ट शॉप वहां पर थी, तो क्या उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी इनकी? आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो वहाँ मेडिकल स्टोर का संचालक है उसके द्वारा हमें फोन किया गया कि ये हम अच्छा। यहाँ पे सारे दुकान वालों को इस तरह से प्रशासन धमका के उनसे जबरिया उगाही कर रहा है। जब
शिकायत मिलने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें जो देखने में आया तो उसमें पूरी तरह से क्लियर था कि प्रशासन लोगों को धमका के और सिर्फ राजस्व इकट्ठा कर रहा है, वो राजस्व अपनी जेबों में भरने के लिए कर रहा है, सरकारी खजाने में लेना देना नहीं है, लोगों में काफी आक्रोश है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि अब जब हमारी रिपोर्ट टेलीकास्ट हो रही है उसी दौरान एसडीएम तहसीलदार और बीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी हो चुके हैं और लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है सरकार प्रशासन के इस रवैये को लेके। तो एक कहा जाता है ना कि जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वो प्रशासन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने पे आमादा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है अपनी जेब भरने पर आमादा है और जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जीवनदीप समिति का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, आखिर ये जीवनदीप समिति क्या है और ये किस तरह से काम करती है और आखिर इसकी रसीद कटवाने का कुछ समझ नहीं आ रहा है लॉजिक, आखिर क्यों जीवनदीप समिति की रसीद काटी जा रही है? जी एकदम ये अलग मामला है। देखिए जीवनदीप समिति की रसीदें जो है वो हॉस्पिटलों को कोई डोनेशन देना चाहता है या किसी तरह से मदद करना चाहता है तो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल एक समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। अच्छा। वो वहाँ वो रसीद बकायदा रसीद काटी जाती है और डोनेशन के लिए रसीद है, इसका किसी भी तरह से फोर्सली दबाव डाल के किसी से नहीं वसूला जा सकता और किसी से भी चालान को लेकर के इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए एक और सवाल आपसे लूंगा कि जब इस तरह से मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है, तो क्या मामले को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुई अभी तक? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मामले को लेकर के कुछ बयान दिया है अभी तक? जी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आ चुका है और अभी तक कार्रवाई की बात अगर चले जाए तो अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एबी स्टार में खबर चलने के बाद निश्चित तौर पे जो दोषी अधिकारी हैं तीनों उनके खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाएगी और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान जो इन्होंने कार्य किया है वो किसी भी तरह से माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में दुकानदार की दुकानें बंद रहती है, उनसे भी इस तरह से जबरिया फिर वसूली, तो यही कहा जा सकता है कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साथ पे उल्लू बैठा है। तो बस अब देखना ये है कि सरकार इस मामले पे जल्द से जल्द कितनी माकूल कार्रवाई करती है। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी जी जो पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी दे रहे थे और जिस तरह से अब तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अब जल्द से जल्द मामला जो है प्रशासन के संज्ञान में जिस तरह से आ गया है तो उसके बाद जो दोषी अधिकारी हैं जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि जो बाकी अधिकारी हैं उनके बीच में भी सख्त संदेश जा सके कि अगर किसी भी तरह का गड़बड़झाला करने की कोशिश की, अगर आपदा में इस तरह से अवसर तलाशने की कोशिश की तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।